हरियाणा के जिंद से हैं महावीर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। कल भी मैंने बात करी थी। हाँ जी सर। हाँ, 3 पर्सन थे मेरे, उनमें जो बीच वाला पर्सन था, और एक तो सुबेरे वाला अरंडी का तेल वैद्य जी ने बता दिया था भाई, वो लेने से गए सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो हाँ वो हाँ तेल तो मैं आज ले आया और कल आज शाम से शुरू कर दूंगा। जी दूसरा जो है वो नुस्खा जैतून का सरकार अदरक ये लहसुन का बना रखा है, वो भी कल से मैंने 2 टाइम शुरू कर दिया है। एक टाइम लिया अर्धा बैजियान कही थी, तो उसका अब देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न था मेरा, ये कंधे नाड़ ये नहीं मुड़ती, इसमें कैल्शियम जमा हुआ है मेरी ये स्पाइनल कोड के साथ में, जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, ये कह रहे हैं भाई ये कैल्शियम से जुड़ी हुई है, ये कैसे ठीक हो? ज्यादा अकड़न है। ठीक है। वैद्यों ने जो मेरी नाड़ का वो बताया था भाई इधर नाड़ हिलाओ, और ये भी मैंने दो दो तीन तीन महीने भी करके देख लिया, क्योंकि मैं 6-7 महीने से वैद्यों से जुड़े हुआ हूँ, लेकिन ये हल नहीं हो रहा। ये कैल्शियम कैसे टूटता है ये खोया के पास का, ये महावीर जी आपकी छोटी उम्र छोटी। कितनी है? 72 साल जी। ठीक है सर जी। हाँ महावीर साहब, आप यूं समझ लें कि ये जो हमारी डिस्क है यहाँ गर्दन की थोड़ा नीचे, कभी कभी ये सब कुछ जाम हो जाता है, जैसे इस पे सीमेंट कर दिया। सीमेंट भी कैल्शियम होता है, चूना भी कैल्शियम होता है। अब अगर जब ये जाम होना शुरू हुआ है, अगर ये शुरू हुआ है जाम होना, तो अभी ठीक हो सकते हैं, और अगर इसमें गुंजाइश ख़त्म हो गई है, तो फिर ये ना तो इससे छेड़छाड़ कर सकते हैं ना ऑपरेशन कर सकते हैं, फिर हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती जब तक कोई अच्छा इलाज नहीं आ जाता। देखिए, ऐसे बैठकर मैंने बताया ये कान इससे मिलाना है, अगर आप मिला पाते हैं, आपकी गर्दन में इतनी मूवमेंट अगर है, तो ये ठीक हो सकता है। और ये ठोड़ी यहाँ से पकड़ें, देखिए ये यहाँ तक आ जाता है, ये पूरी तरह मोड़ दें, ये ठोड़ी हमारी यहाँ तक आ जाती है, ये मूवमेंट अगर है, नहीं है तो कोशिश करें कि ये मूवमेंट आ जाए, अगर ये आ गई तो आप ठीक हो सकते हैं। और एक ये भी है कि हम ऐसे सीधे लेट जाएं बेड पर और गर्दन नीचे लटका लें ऐसे, और बाकी शरीर सीधा रहे, और 5-5 मिनट 5 बार कम से कम लेटें, इससे भी यहाँ मूवमेंट आती है। तो ये कोशिश करें और कई महीने तक करें, थोड़ा थोड़ा भी मूवमेंट आएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और मूवमेंट की गुंजाइश होगी तो ज़रूर आएगा। और ये सब कुछ मेरा भी यहाँ टाइट होने लगा था, लेकिन मैंने वक्त पे एक्सरसाइज करके इसको अच्छा कर लिया। और जो लोग बिल्कुल किसी की बात नहीं मानते, एक्सरसाइज कहो एक्सरसाइज नहीं करते, और फिजियोथेरेपी से भी आप मिल सकते हैं, वो बताएगा कि इसमें क्या हो सकता है। बाकी सब दवाओं में आपको फ़ायदा मुमकिन है, इसमें आप खुद फैसला करेंगे कि इसमें फ़ायदा मुमकिन है कि नहीं है। जी, मुजफ्फरनगर से हैं अनीता जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते जी नमस्कार। सर जी, नमस्ते जी। स्वागत है आपका, जय हिंद। जी सर, मैंने आपसे पहले बात की थी अपने पति के लिए, जिन्हें वो सुस्ती और चक्कर आते थे। जी, तो आपने वो एक्सरसाइज और गोंद मोरिंगा जैतून का नमक बताया था, तो सर कुछ तो आराम है। सर उन्हें कमजोरी बहुत है, बहुत ज्यादा कमजोरी, और चल नहीं पाते। ये कमजोरी दूर करने की दवाई बता दिए था। उम्र कितनी है उनकी मैम? 69। 69। ठीक है जी। ठीक है। हाँ देखिए, बहुत मेहनत कर रही हैं आप अपने पति के लिए, और कामयाबी भी मिलनी शुरू हो गई आपको। देखिए, एक्सरसाइज तो कराते ही रहना, 3-3 मिनट एक्सरसाइज तो कराते ही रहना, और ऐसे लिटाना भी, ऐसे सीधा बेड पर गर्दन नीचे लटका लें ऐसा 5-5 मिनट,
और वो दो एक्सरसाइज जो बताता हूँ वो 3-3 मिनट या इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ायदा शुरू हो गया है, कमज़ोरी भी दूर हो सकती है। मैं कोई नुस्खा ना बताकर आपको माजून अखरोट प्राश, माजून अखरोट प्राश 1 चम्मच खिलाएं रोज़ाना, और पानी या दूध से खा सकते हैं, दूध चलता हो तो दूध नहीं तो पानी से, और थोड़ा थोड़ा आप उनको साथ में टहला करिए, उनके अंदर हौसला पैदा कर दीजिए और उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर है मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? जी मैं बलवंत सिंह नेगी बोल रहा हूँ और मेरी 62 एज मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जी सर। और हकीम साहब को जय हिंद। जय हिंद, स्वागत बहुत बहुत आपका जनाब। अच्छा हकीम साहब, मेरी वाइफ को भी थोड़ा राइट हाथ में दर्द रहता है, उसको वो शुगर की पेशेंट भी है वो। तो आपकी हम गोंदसिया और नमक जैतून और ये जैतून का सिरका ले रहे हैं पिछले 2 महीने से। तो उनको 50% तो आराम है, और जो आप एक्सरसाइज बताते हो वो भी करते हैं। वो तो पहले तो जैसे आप बताते हैं, हम सुनते हैं आपको कि शुरू शुरू में उनको दर्द ज्यादा हुआ था, लेकिन अब थोड़ा 50% रिलीफ हो रहा है। बहुत बहुत भगवान का बड़ा शुक्र। अच्छा मेरे जरा दो सवाल और थे। जी जी जी। मैं ना मेरे को पिछले साल में मई में कोरोना हो गया था सेकेंड लहर में। तो उसके बाद से थोड़ा मेरे शरीर में काफी प्रॉब्लम्स हो गई। जैसे मैंने अपने टेस्ट कराए तो एक तो मेरे को क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया था, मेरा 1.8 हो गया था, यूरिक एसिड हो गया था, थायराइड हो गया था और बीपी हो गया था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि प्रोस्टेट भी है। तो ये 4-5 चीजें एकदम से मतलब शरीर में वो हो गई। मतलब तो मैं पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट को ले रहा हूँ। मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट कम लेता हूँ और आयुर्वेदिक ज्यादा ले रहा हूँ। तो हकीम साहब, मेरा जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 1.2 से लेकर के 1.8 के बीच में ही वेरिएशन करता है। कभी 1.2 होगा, कभी 1.4, कभी 1.6, कभी 1.8, फिर डाउन आ जाता है। बीपी तो मेरा तकरीबन अब नॉर्मल है, 80 से नीचे रहता है लो वाला, और हाई वाला जो है तकरीबन 135-130 के अंदर रहता है। यूरिक एसिड मेरा थोड़ा बढ़ता है, मतलब 8 पॉइंट कुछ या कुछ ऐसे रहता है प्रोस्टेट, और बाकी तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने शरीर पे समझता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन टेस्टों में जो है रिपोर्ट सही नहीं आती। ठीक। तो मैं आपका जो ये नुस्खा बताते हो, मतलब कि नमक जैतून और अलसी का पाउडर, ये भी मैं ले रहा हूँ पिछले 2 महीने से जो आपने मैं आपको टीवी पे सुनता हूँ। तो क्या मैं ये जो आप 6 चीजों का बताते हो उसमें अलसी का भी मिलाकर के उसको लेने से क्या मेरे शरीर में शुद्धिकरण हो जाएगी पूरी, या आप मुझे कुछ एडवाइस करेंगे कि मैं क्या करूं? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी हाँ, देखिए बहुत ही अच्छी तरह आपने बात कही अपनी। अभी आप देख रहे थे एक साहब, जैसे मैं कई चैनल्स पर आता हूँ तो वो चैनल कोई देख रहे थे, बात कर रहे थे लाइव, तो शायद ये प्रॉब्लम थी। अब हम समझ पाए उनकी बात को, वो बहुत सीधे इंसान थे, भगवान उनको भी खुश रखे और आपको भी, क्योंकि भगवान का आप पे बहुत बड़ा करम कि कोरोना जैसी बीमारी से आपको बचा लिया, वाकई वो शक्तिमान है। तो ये जो बीमारियां हैं आपको, ये तो आसानी से कंट्रोल हो सकती हैं, और क्रिएटिनिन भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये जो नुस्खा आप ले रहे हैं तो इस तरह से लें, नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, अलसी आधा चम्मच से 1 चम्मच तक, और कौन चिलगोजा 1 चुटकी, ये इसकी 1 खुराक या 2 खुराक रोज लिया करिए। ये तो आप काफ़ी दिन तक लीजिए तो ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल की कोई परेशानी, हार्ट ब्लॉकेज, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, लीवर, किडनी की का शुद्धिकरण, ये इसमें सब कुछ आ गया।
प्रोस्टेट के लिए भी ये है, और प्रोस्टेट के लिए लें तो इसमें दो चार चुटकी वो लाजवंती भी मिला सकते हैं। और वो नुस्खा जो वो मैं बताता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, और उसमें अलसी भी मिला सकते हैं। अलसी आदमी ज़्यादा भी खा सकता है। ये 100-100 ग्राम लेकर अगर हम रोज़ाना एक एक चम्मच दो बार खाएं, नमक जैतून का पानी से भी ले लें या वैसे ही खा लें, तो ये पूरे एब्डोमन का इलाज है। कहीं वर्म हो, कहीं बवासीर हो, कहीं आँतों में प्रॉब्लम हो, कहीं मैदे में प्रॉब्लम हो, और खून साफ नहीं होता हो, और लैट्रिन सही नहीं आती हो, बवासीर हो, और लीवर के लिए भी है, तो स्किन के लिए भी अच्छा नुस्खा है ज़्यादातर चीज़ें घर की, तो बहुत भगवान का शुक्र मैं भी करूं और आप भी, कि आपकी पत्नी को फ़ायदा शुरू हो गया। सब भरोसा ज़रूरी भगवान पर, और ज़रूरी हो तो हम बर भी कर लें, और अमल ज़रूरी। अमल वो है जो दवा है, जैसे एक्सरसाइज है, आपने कोशिश की तो भगवान ने आपको फ़ायदा देना शुरू कर दिया। बस अब मैं चाहूँगा कि जैसे आपकी पत्नी को फ़ायदा हो रहा है, आपको भी भगवान फ़ायदा दे दे। जी, हिमाचल से हैं राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। राकेश जी लाइन पे हैं आप? सर आप लाइन पे हैं? और दिन बाद जी जुड़े हैं हमारे से। राकेश जी बात कीजिए अगर आपको। नमस्कार, नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत। राकेश जी बहुत याद किया, बहुत याद किया कि क्यों नहीं आ रहे। कैसे सर, सेहत कैसी है आपकी? ठीक तो लग रही है अभी। हाँ, आपकी तबीयत तो अच्छी है? मेरी भी ठीक है सर, ठीक है। शुगर का मेडिसिन ले रहा हूँ मैं, शुगर और बीपी का। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं सर काला गोंद भी ले लिया है, दूसरा नमक जैतून भी खा कर देख लिया, एसके टी केयर वगैरह अभी तो ठीक ही है वैसे। मैं सर पूछना चाहता हूँ, ये जो अलसी है, अलसी का पाउडर, इसको बिना जैतून का नारियल दिए भी कोई मतलब फायदा करेगी? ये डेली अगर लूँ एक चम्मच में। जरूरी है कि आप कहीं बिजी हो गए होंगे और आपको कोरोना जैसी बीमारी से भी भगवान ने बचाया, और मेरी दुआ है कि आप स्वस्थ रहा करें। और अलसी को बग़ैर नमक जैतून के भी इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है, और ज़रूर आपको फ़ायदा इससे पहुंचेगा। आप अपना बहुत ख्याल रखा करें, फ़ोन कॉल मिले ना मिले, बात हो ना हो, लेकिन कभी कभी अपनी खैरियत ज़रूर दिया करिए। आपका नाम और ख़ास तौर पर आपकी आवाज़, वो एक अदाकार से मिलती है जो टीवी पे प्रोग्राम देते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ आज सुनील शर्मा, क्या कपिल शर्मा से आपकी आवाज़ बहुत मिलती है। पता नहीं आपकी आवाज़ आते ही मैं समझता हूँ कपिल शर्मा का फ़ोन है। कभी तो मुझे धोखा होता है कि आप अपना नाम और आवाज़ बदल के तो बात करने की कोशिश नहीं करते, तो बिल्कुल वैसी आवाज़ है आपकी मेरी नज़र में। जी, बहुत खुश रहिए, धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश शर्मा जी हमें कॉल करने के लिए। बहुत वक्त हो गया था आपसे हमारी बात नहीं हो पाई है, और जब कॉलर्स हमारे साथ इतने लंबे वक्त से जुड़े होते हैं और उनकी कॉल नहीं आ पाती है तो हम भी परेशान हो जाते हैं। खैरियत पूछनी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी सेहत हमें बस मालूम पड़ती रहे कि आप लोग ठीक हैं, बेहतर हैं, तो बस आप कभी ना कभी हमें कॉल करके अपनी सेहत ज़रूर बताते रहिए। हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो तुरंत फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं।